हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि हमारी गायें और देसी गायें लगभग एक दिन में कितना दूध निकालती हैं। तो एक टाइम का जो कितना दूध हो रहा है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर शूट करके दिखा रहा हूँ। ये वीडियो जो DSLR से शूट किया जा रहा है, तो कैसा आ रहा थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले गाय के जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं। तो बछड़े को सबसे पहले गाय का दूध पिलाते हैं, उसको सबसे पहले दूध पीने के लिए छोड़ देते हैं 4-5 मिनट के लिए, जितना उसको पीना है वो पीलेगा दूध बच्चा। और उसके बाद उसको वापस गाय के आगे की तरफ बांध लेते हैं। उसके बाद जो गाय अपना जो प्रेम है अपने बच्चे के ऊपर दिखाती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के ऊपर प्रेम कैसे करती है, मतलब वही, इसीलिए तो जो गाय का है जो माँ का दर्जा दिया जाता है अपने इंडिया के अंदर और हिंदू धर्म में, जो गाय को सर्वोच्च स्थान है, सबसे पवित्र हैं गाय। और उसके बाद हम गाय को थोड़ा सा दोनों पैर को थोड़ी सी रस्सी से एक बांध लेते हैं ताकि वो पैर ज़्यादा हिलाए नहीं। और उसके बाद बैठते हैं दूध को दूहने के लिए। हमारे भाभी जी हैं जो दूध निकाल रही हैं और देखते हैं कि कितना दूध होता है आज के इस टाइम का। लगभग मुझे पता है कि कितना हो सकता है, आप भी कमेंट करके बताना कि आपकी गाय है अगर देसी गाय है वो कितना दूध करती है, और दूध बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कुछ उसे जो मतलब इलाज करना चाहिए ताकि जिससे दूध बढ़ जाए बिना इंजेक्शन के। इंजेक्शन नहीं लगाना, इंजेक्शन लगाना गाय को दूध बढ़ाने के लिए एक तरीके से पाप समझता हूँ मैं उसे, और एक तरीके से पाप ही, क्योंकि उसको एक बीमारी भी लग जाती है एक तरीके से, इंजेक्शन से इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। और अभी अपन तो देसी तरीके से निकालेंगे जो कितना दूध होता है, और गाय आराम से अपने बच्चे को लाड प्यार कर रही है। और हम दूध निकाल देते हैं और कितना दूध निकलता है वो भी देख लेते हैं। तो दूध लगभग है जो 3 से 4 लीटर पर टाइम, मतलब दिन के लगभग 10 से 12 लीटर है जो दूध उतरती हैं अगर 3 टाइम दूध निकालते हैं तो। थैंक यू।